आपदाएं कभी भी आ सकती हैं। पहले से योजना बनाना महत्वपूर्ण होता है ताकि आपदा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। इसके लिए एनडीआरएफ साथ में बटालियन और होमगार्ड के जवानों द्वारा आपदा प्रबंधन के दौरान किए जाने वाले बचाव कार्यों और त्वरित कार्रवाई के लिए जिला स्तर पर बिलासपुर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आपदाएं कभी भी आ सकती हैं। पहले से योजना बनाना महत्वपूर्ण होता है ताकि आपदा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। इसके लिए एनडीआरएफ सातवीं बटालियन और होमगार्ड के जवानों द्वारा आपदा प्रबंधन के दौरान किए जाने वाले बचाव कार्यों और त्वरित कार्रवाई के लिए जिला स्तर पर बिलासपुर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। एडीएम विनय दीवान ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला बिलासपुर के राजकीय महाविद्यालय में भूकंप का और उपयुक्त परिसर में आगजनी का सिनेरियो तैयार करके मॉक की गई। उन्होंने बताया कि प्रातः 9 बजे हुटर बजने के तुरंत बाद जिला में आपदा प्रबंधन से जुड़े प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी स्वयंसेवी तथा आमजन निर्धारित स्टेजिंग एरिया कॉलेज ग्राउंड में पहुंच गए, जहां से आकलन व राहत कार्य में जुटी टीमों को घटना स्थल पर भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि घटना के उपरांत बचाव कार्य को एक्सीडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम की तर्ज पर पूर्ण किया गया, जिसके तहत सभी अधिकारियों की जिम्मेवारी निर्धारित की गई, जिसमें आपदा के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले विभिन्न संसाधनों, रणनीतिक कमांड ऑपरेशन योजना, क्षमता तथा लक्ष्य इत्यादि के संदर्भ में कार्य योजना तैयार करके परिस्थिति से निपटने के लिए घटना स्थल पर राहत टीमों को आवश्यक उपकरणों के साथ भेजा गया, ताकि प्रभावित लोगों को शीघ्र ही राहत प्रदान करके होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मॉक ड्रिल का उद्देश्य ये रहता है कि किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या कमियां हैं, ताकि उनकी गहनता से समीक्षा करके भविष्य के लिए उनमें सुधार लाया जा सके। उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल के दौरान उजागर हुई विभिन्न कमियों और कठिनाइयों को दूर करने के लिए संबंधित विभागों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की आपदा के दौरान बेहतर राहत कार्य किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस दौरान होमगार्ड के जवानों ने एनडीआरएफ दल से नए नए उपकरणों तथा कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी हासिल की। एनडीआरएफ के इक्विपमेंट्स की, होमगार्ड्स के पास जो इक्विपमेंट है उनकी डेमोंस्ट्रेशन आज जो है इसका मेन फोकस रहा है, और अर्थक्वेक सिनेरियो एक जो उपायुक्त कार्यालय में क्रिएट किया गया उसमें किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है ऐसे मौकों पर जिसमें आग लग गई हो या फिर कोई स्लैब गिर गया हो, लोग बीच में फंस गए हो, तो आज जो है वो उसकी डेमोंस्ट्रेशन होमगार्ड्स ने और एनडीआरएफ ने वहां पे की है। ये जो मॉक ड्रिल है ये हमारी प्रिपेयर्डनेस को दिखाता है। आपदाएं बोल करके नहीं आती हैं, ना ही अर्थक्वेक जैसी आपदा कि कोई फोरकास्ट किया जा सकता है, तो जब भी इस तरह की आपदाएं आती हैं हमारी प्रिपेयर्डनेस ही जो है वो लोगों की जान बचाने में सहायक हो सकती है। हम इसी तरह से मुस्तैद रहें, ना सिर्फ मॉक ड्रिल्स के टाइम में बल्कि वैसे भी अपने कार्यकलाप उस तरह से रखें कि हमेशा सजग रहें, सतर्क रहें, तो वैल्यूएबल ह्यूमन लाइफ को हम जो है बचा सकते हैं। आज की मॉक ड्रिल काफी अच्छी रही है, सक्सेसफुल रही है, इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। हमारे इस जिला में पिछले 6 महीने से हमने आपदा प्रबंधक वॉलंटियर्स ग्राउंड लेवल पे तैयार किए हैं, हमारी ट्रेनिंग्स जारी हैं, मेसन्स की भी ट्रेनिंग हो रखी है कि किस तरह से अर्थक्वेक सेफ स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाए जाएं, और उसमें हमें पॉलिटेक्निक सुंदरनगर से, इवन आईआईटी मंडी से और लोकल आईटीआई से इंस्ट्रक्टर्स का सहयोग, प्रोफेसर्स का सहयोग मिला है, उसके लिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय में ट्रेनिंग्स को और इंटेंसिफाई किया जाएगा और हम चाहेंगे कि समय समय पर एनडीआरएफ का सहयोग भी हमें मिलता रहे। आज होमगार्ड्स ने एनडीआरएफ के इक्विपमेंट को देखते हुए हमें अपनी कमियां बताई हैं, हम उन कमियों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे और जितने भी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड हैं उनको मुहैया करवाने के लिए जितना भी भरसक प्रयास है वो करेंगे। जितने हमारे वॉलंटियर्स हैं वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं, बाकी जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, एनडीआरएफ का, या जैसे हमारी अब एसडीआरएफ भी नोटिफाई हो गई है,
उनका रिस्पांस जो है वो बाद में होता है, सबसे पहले वॉलंटियर्स का ही रहता है। तो वॉलंटियर्स की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स हैं उन पे हम आगे फोकस करेंगे, खासकर किस तरह से इम्प्रोवाइज्ड स्ट्रेचर बनने हैं, इक्विपमेंट जो अवेलेबल है उनको कैसे यूज करना है, रस्सी से किस तरह से हार्नेस स्ट्रेचर बनाने से लेकर के आपका जितना कहीं रेस्क्यू है उसके लिए, जैसे कोई खाई में गिर जाता है तो उसको किस तरह से जो है वो इम्प्रोवाइज। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।